आजकल मे भी ओपेरा एयरफोन्स के बारे में काफी बातें चल रही हैं। काफी सारे मेरे को कमेंट आ चुके हैं इन एयरफोन्स के पर्टिकुलर रिव्यू के बारे में। क्यों बात ना हो भाई, यहाँ पे आपको LHD हाई रेंज का सपोर्ट मिलता है इंडियन ब्रांड की ओर से अंडर 2000 रुपीज। नॉर्मली हाई रेंज के सपोर्ट के लिए भी आपको 3000 रुपीज स्पेंड करने पड़ते हैं। तो आज हम अनबॉक्सिंग के साथ आ चुके हैं। जानना ये है कि क्या ये एक्चुअल में हाई रेंज एंड LDAC के फीचर एंड साउंड क्वालिटी मेंटेन कर पाता है या जस्ट फॉर नेम सेक यहाँ पे आपको चीजें मिलती है। सो मीवी का बॉक्स आउटर एटलीस्ट यहाँ पे काफी इंप्रूव आपको देखने मिलता है, जहाँ पे हाई रेज LDAC की ब्रांडिंग, स्पेशल ऑडियो, 3D साउंड स्टेज एंड कपल ऑफ अदर फीचर मिल जाते हैं। पीछे की तरफ भी यहाँ पे इन्होंने काफी सारे फीचर्स वगैरह मेंशन किए हुए हैं। अब इनसाइड इन्होंने उतना इंप्रूवमेंट नहीं किया, स्टिल सेम चीज आपको देखने मिलती है, जहाँ पे एक यूजर मैनुअल आपको मिल जाएगी, एक पाउच मिलेगा जिसमें चार्जिंग केबल एंड 2 पेयर एक्स्ट्रा एयर टिप्स है। एटलीस्ट थोड़ा एफर्ट इनसाइड द पैकेज भी डाल लेते तो बढ़िया रहता। डिजाइन लैंग्वेज सेम है, सुपर पोर्ट्स कोई भी उठा के देख लीजिए, ओपेरा, हालो या फिर दूसरे फोन्स, तो यहाँ पे पूरा आपको मेटालिक फिनिश मिलता है जो कि काफी शाइनी है आउटर सेक्शन। एंड जो सेकंड हाफ सेक्शन है वो आपको पूरा मैट फिनिश मिलता है, एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट एंड 4 LED इंडिकेटर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, जो एक इंडिकेटर 25% बैटरी को रिप्रेजेंट करता है। प्रोडक्ट की बिल्ड क्वालिटी उतना कोई सॉलिड नहीं है, यहाँ पे जो हिंज है वो आपका टाइट नहीं है एंड वो स्टडी भी नहीं है। ईयरफोन्स वैसे डिसेंट फिनिश के साथ आते हैं एंड आपको मैग्नेट भी वहां पे स्ट्रॉन्ग मिल जाता है, बट मैं इतना बड़ा कोई फैन नहीं हूँ इस डिजाइन का, क्योंकि ये डिजाइन मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है लुक वाइज एंड इवन दो फिनिशेस वगैरह जो है ना वो यहाँ पे थोड़ा सा चीप काइंड ऑफ लग रहा है। यहाँ पे आपको ईयर फिटिंग डिसेंट मिल जाती है एंड कंफर्टेबल है बेसिकली, तो आप इसको जिम जॉगिंग के टाइम पे यूज करते हैं या फिर इंटेंस वर्कआउट या एक्टिविटी के टाइम पे यूज करते हैं तो ईयर से पॉप आउट नहीं होंगे एंड कंफर्टेबली 3 से 4 घंटे के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वेट रेजिस्टेंट IPX4 की रेटिंग आपको प्रोवाइड करते हैं। कनेक्टिविटी से मेन फंडा स्टार्ट होता है, 5.4 की ब्लूटूथ पेयरिंग आपको मिलती है, उसमें डुअल पेयरिंग का सपोर्ट मिल जाता है, मीवी के एप्लीकेशन का सपोर्ट मिल जाता है, बट मीवी की जो ऐप है वो कस्टमाइजेशन के नाम पे सबसे पैथेटिक एक्सपीरियंस आपको देती है। बोट या फिर बोल्ट से भी आप कंपेयर करेंगे तो ऐप उतना ऑप्टिमाइज नहीं है। एक बार ये कनेक्ट हो गए, जैसे मैंने इसको वापस केस में रखा, दोबारा से कनेक्ट होने में यार आफत आ गई, ये कनेक्ट नहीं हो रहे थे, सो रिस्टार्ट किया, एवरीथिंग मैंने करके देखी, उसके बाद कहीं जाके आफ्टर लॉन्ग स्ट्रगल ये कनेक्ट हुए, तो ऐप कनेक्टिविटी काफी बेकार है। फीचर फंक्शन की हम थ्रू आउट द वीडियो बात करेंगे तो स्किप मत कीजिए। साउंड क्वालिटी जो कि इसका मेन हाईलाइट है प्रोडक्ट का, क्योंकि यार 13 mm ऑडियो ड्राइवर्स, LDAC, हाई रेज, स्पेशल ऑडियो, काफी सारे हाई प्रोफाइल्स मिल जाते हैं एंड एक्चुअल में ऑडियो पे यार काफी काम किया गया है। अगर हम बात कर रहे हैं इस बजट के एयरफोन्स की, तो ये साउंड क्वालिटी में A1 क्वालिटी डिलीवर करते हैं एंड बेहतरीन साउंड सिग्नेचर आपको मिल जाता है, जहां पे बिल्कुल भी आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, आपको बेस चाहिए बेस मिल जाएगा, क्लैरिटी चाहिए वो भी आपको मिल जाएगी, ओवरऑल ये डिसेंट साउंड सिग्नेचर विद हाई एक्यूरेसी ये मेंटेन करते हैं। अगर आपको कस्टमाइज करना तो आपको स्पेशल इफेक्ट ऑन एंड ऑफ का ऑप्शन मिलता है, हाई रेंज आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं एंड 9 प्रीसेट मिलते हैं, कस्टम प्रीसेट सेट भी आप क्रिएट कर सकते हैं, तो साउंड क्वालिटी वाकई में काफी बेहतर आपको मिलती है। उसके अलावा अगर अदर फीचर्स की बात करते हैं, जिसमें आप इसके टच कंट्रोल को कस्टमाइज करना, आप सिंगल टैप, डबल टैप, ट्रिपल टैप, टैप एंड होल्ड, हर फीचर को कस्टमाइज कर सकते हैं, अपनी अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं जो भी फीचर आपको चाहिए। बट टच सेंसर में मेरे को सबसे बड़ी दिक्कत लगी, मैंने इवन तो कस्टमाइज किया हुआ है, सिंगल टैप पे ANC है एंड सिंगल टैप पे स्पेशल इफेक्ट है, बट वो एक्चुअल में वर्क नहीं करता है। ANC की हम बात करते हैं तो गाइज यहाँ पे आपको ANC का कोई भी फीचर नहीं मिलता एप्लीकेशन में। एंड अगर आप बात करते हैं टच कंट्रोल पे कस्टमाइजेशन की, मैंने टच कंट्रोल को कस्टमाइज किया था ANC के लिए, बट वो फीचर वर्क ही नहीं कर रहा है। एंड इवन दो मैं थ्रू आउट द फ्लिपकार्ट चेक कर रहा था फीचर फंक्शन, तो यहाँ पे कोई भी ANC का जिक्र नहीं है। एंड इतना ही नहीं, इसकी इतनी बड़ी बुकलेट में ANC का इन्होंने जिक्र किया ही नहीं है, सो क्या ये फेक मार्केटिंग थी? लग तो ऐसे रहा, तो ANC यहाँ पे आपको नहीं मिलती, साउंड सिग्नेचर ही जस्ट बेटर मिलता है। उसके अलावा डुअल पेयरिंग है, वो आप इनेबल डिसेबल नहीं कर सकते, जस्ट आप स्विच कर सकते हैं, मल्टीपल डिवाइस कनेक्टिविटी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, बट वो भी उतना बेटर नहीं है, थोड़ा सा डिले के साथ कनेक्ट होता है एंड कई बार एक ईयरफोन्स कनेक्ट होता है, कई बार दोनों ईयरफोन्स कनेक्ट होते हैं, तो वहां पे भी इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। यहां तक कि मेवी यहाँ पे गेमिंग के लिए लो लेटेंसी आपको ऑफर कर रहा है, जो मैंने टेस्ट आउट किया रिजल्ट ठीक थे, उतना बेटर एंड इम्प्रूव रिजल्ट आपको नहीं मिलते, बट सेपरेशन कुल मिला के ठीक मिल जाते बिकॉज ऑफ द हाई फाई ऑडियो प्रोफाइल्स एंड ऑल दैट, बट डिले थोड़ा सा ज्यादा था एंड आप वो डिले महसूस करेंगे जब आप गेम खेलते हैं और वो आपकी गेमिंग एक्सपीरियंस को भी हैम्पर करेगा। आप म्यूजिक के टाइम पे कोई डिले नहीं आता, बट एक्चुअल जब आप वीडियो या फिर मूवीज देखते हैं या कोई ऑनलाइन क्लासेस देखते हैं तो वहां पे आपको डिले फेस होता है अगर आप लो क्वालिटी के ईयरफोन्स यूज करते हैं, सो यहाँ पे वो चीज आपको नहीं नोटिस होगी क्योंकि ईयरफोन्स वेरी वेल ऑप्टिमाइज्ड है, वीडियो एंड ऑडियो सिंक्रोनाइजेशन आपको डिसेंट मिलता है। जब बात आती है बैटरी बैकअप को लेकर, ओवरऑल 8.5 आवर पर चार्जिंग आपको बैटरी बैकअप मिल जाएगा एंड केस के साथ टोटल 60 आवर का बैटरी बैकअप ये मेंटेन करते हैं, विच इज डिसेंट इनफ, बट अंडर सम टर्म एंड कंडीशन
ये बैटरी आपको अचीवेबल मिलता है, बट अगर आप मैक्सिमम कंडीशन में यूज करते हैं तो 4 to 5 आवर के बीच में ही आप मैक्सिमम कंडीशन पे बैटरी बैकअप यहाँ पे अचीव कर पाएंगे। कॉलिंग के लिए मिलता है आपको क्वाड माइक्रोफोन सेटअप ईएनसी के साथ, ईएनसी तो छोड़ी दो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, ईएनसी के साथ माइक्रोफोन परफॉर्मेंस हमने आउटडोर में टेस्ट किए, ये है कुछ रिजल्ट। ये फोन है मीवी के सुपरपोर्ट ओपेरा एंड सुपरपोर्ट सीरीज में एक और कमाल के एयरफोन खास है, जहाँ पे आपको हाई क्वालिटी म्यूजिक एक्सपीरियंस मिलने वाला है। म्यूजिक वाइज में ऑलरेडी इसको टेस्ट कर चुके हैं एंड साउंड क्वालिटी वाकई में काफी इंप्रेस है, फुल प्राइस पॉइंट ये आ रहे हैं, बट इनका जो डिजाइन है वो यार उतना इंप्रेसिव नहीं है। हालांकि माइक्रोफोन यहाँ पे आपको 4 ही मिलता है एंड ये कुछ इसके माइक्रोफोन परफॉर्मेंस आउटडोर कंडीशन में, आउटडोर क्या बालकोनी में। आपने आउटडोर कॉलिंग परफॉर्मेंस चेक कर ली, माइक्रोफोन उतना बेटर ऑप्टिमाइज नहीं है। आई बिलीव मीवी ने जो सारा फोकस था वो इसके साउंड क्वालिटी में झोंक दिया, जो चीजें एक्चुअल में क्लेम कर रहे हैं वो भी आपको उतना सस्टेनेबल या उतना बेटर नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं प्रोडक्ट के साथ, मार्केटिंग के साथ एंड मीवी के साथ। हाउएवर आई मस्ट से एंड मस्ट एग्री द साउंड सिग्नेचर इज वन ऑफ द बेस्ट इन द क्लास। 2000 रुपीज से अंडर शायद ही कोई ये फोन उसको बीट कर पाए इन टर्म्स ऑफ ऑडियो क्वालिटी, बट ऐप की इम्प्रूवमेंट रिक्वायर है डेफिनेटली। माइक्रोफोन उतना बेटर परफॉर्मिंग नहीं है, गेमिंग लेटेंसी दी जरूर गई है बट यहाँ पे आपको उतना बेटर नहीं मिलता। ANCA क्लेम कर रहे थे इनिशियली, आई डोंट नो अभी इन्होंने रिमूव किया है क्या किया, बट अभी कोई भी ANCA आपको नहीं मिलता। IPX4 की रेटिंग है, 5P होनी चाहिए थी, डिजाइन एंड बिल्ड उतना बेटर नहीं है। तो काफी सारी चीजें हैं जो आपको कंप्रोमाइज करनी पड़ेंगी इन ईयरफोन्स के साथ। तो आप देख लीजिए आपको क्या करना है, ये ईयरफोन्स लेने हैं नहीं लेने। साउंड क्वालिटी के लिए मैं डेफिनेटली रिकमेंड कर सकता हूँ, एल्स अदर चीज मैं यहाँ पे रिकमेंड नहीं करूंगा। सो गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।